कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है। दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि बढ़ते संक्रमण के बीच फ्रांस में 4 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में 4 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन के आदेश के बाद अब सभी स्कूल कम से कम 4 सप्ताह बंद रहेंगे। बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमैनुअल मैक्रों ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने को कहा और उस रणनीति को अपनाने को कहा जिससे कोरोना को हराया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना टीकाकरण के काम में तेजी लाई जाएगी और गर्मियों के खत्म होने तक सरकार 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा देगी। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि हमने इन निर्णयों को देर से करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब इन फैसलों को सख्ती से लेने का वक्त आ गया है। मैक्रों ने कहा कि शनिवार की शाम से 4 सप्ताह तक 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर रोक रहेगी। कर्फ्यू के घंटों के दौरान या 10 किलोमीटर से अधिक दूरी जाने के लिए पास की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में और गति लाई जाएगी। बता दें कि फ्रांस में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है। ऑफिस जाने के बजाय लोग घर पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस दौरान 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर रोक होगी। बता दें कि फ्रांस में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना महामारी की वजह से फ्रांस में अब तक 95,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हाल के दिनों में यहाँ ब्रिटेन के नए वेरियंट के कोरोना वायरस के कारण संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। WHO के मुताबिक 31 मार्च को यहाँ एक दिन में संक्रमण के 29,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं।